अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूं कि आप तमाम लोग खैरियत से हैं। मेरा नाम है साद, रियल उस्ताद से। रूडन इनक्लेव इंचिंग फॉरवर्ड। इस वीडियो को शुरू करने से पहले अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा और भी लोगों के साथ शेयर करिएगा। स्लोली ग्रेजुअली ही सही, लेकिन रूडन इनक्लेव बढ़ रहा है आगे। रूडन इनक्लेव के अंदर रिसेंटली उन्होंने लॉन्च किए जनरल ब्लॉक के अंदर 4 मरला और 8 मरला कमर्शियल, जिसके अंदर ये स्पेसिफिकली एच ब्लॉक के अंदर आ रहे थे। और अब करने जा रहा है रूडन इनक्लेव बैलेटिंग। सबसे पहले कोई कमर्शियल के ऊपर अपडेट ले लेते हैं। 4 मरले का कमर्शियल 50 लाख रुपए का, 8 मरले का कमर्शियल 90 लाख रुपए का, 4 साल की इंस्टॉलमेंट, 20% डाउन पेमेंट। इन कमर्शियल्स के कुछ प्रोज हैं, कुछ कॉन्स हैं। प्रोज ये हैं कि इससे पहले जितने भी कमर्शियल रूडन इनक्लेव ने लॉन्च किए, चाहे वो ओपन हो या क्लोज, सब प्रॉफिट के अंदर हैं। तो उम्मीद यही है कि ये कमर्शियल भी जल्द प्रॉफिट पिक कर लेंगे। कॉन्स ये हैं कि ये कमर्शियल्स, क्योंकि जनरल ब्लॉक के नॉर्मल कमर्शियल्स के मुकाबले में 22 लाख 35 लाख, 22 लाख में 4 मरला, 35 लाख में 8 मरला, 1 करोड़ 20 लाख रुपए में 1 कनाल का कमर्शियल, उससे डबल महंगे हैं। यानी एग्जीक्यूटिव से भी ज़्यादा महंगी डील है एच ब्लॉक की। फिर इस कमर्शियल के अंदर कोई लेआउट प्लान नहीं है। जनरल ब्लॉक के नॉर्मल कमर्शियल्स प्लॉट स्ट्रीट नंबर के साथ तो आ रहे थे, लेकिन ये कमर्शियल्स प्लॉट स्ट्रीट नंबर के साथ नहीं है, फाइल्स हैं। उसके अलावा एच ब्लॉक के कमर्शियल्स अफेक्टेड हैं उस सेक्शन 4 से, जिसकी वजह से जनरल ब्लॉक के अंदर डेवलपमेंट नहीं हो रही। अगर मैं प्राइस का कंपैरिजन ठीक करूं, तो 8 मरले का कमर्शियल लेने से बेहतर है कि बंदा 1 कनाल का कमर्शियल मार्केट से ओन के ऊपर ले ले, 90 लाख रुपए का 8 मरले का कमर्शियल और 1 करोड़ 20 लाख रुपए का जनरल ब्लॉक का 1 कनाल का कमर्शियल है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस कमर्शियल के अंदर सोसाइटी भी प्रोग्रेस करे, आप लोग ख़रीदें तो आप लोग भी प्रोग्रेस करें, लेकिन ख़रीदते वक्त इन प्रोज और कॉन्स को अपने जहन में ज़रूर रखें। नेक्स्ट अपडेट रूडन इनक्लेव के अंदर ये है कि एग्जीक्यूटिव ब्लॉक के रेजिडेंशियल एरिया के अंदर आ रही है बैलेट, और बैलेटिंग होने जा रही है 15 दिसंबर से। 15 दिसंबर ऑनवर्ड्स टोटल यानी पहली 15 दिसंबर को और उसके बाद 2 और बैलेटिंग्स होंगी आफ्टर एवरी 45 डेज। इन बैलेटिंग्स के अंदर एलिजिबल होने का एग्जीक्यूटिव ब्लॉक के अंदर क्राइटेरिया, यानी ये सिर्फ एग्जीक्यूटिव ब्लॉक के लिए, जनरल ब्लॉक तो ऑलरेडी बैलेटेड है। क्राइटेरिया ये है कि अगर आपकी फाइल जितना भी उसके अंदर पेड है, आप अपनी स्टेटमेंट देख लें, आज तक जितनी भी इंस्टॉलमेंट्स रहती हैं, कुछ लोग हैं कि जिन्होंने ओपन फाइल्स अपने नाम पे कराई हैं, उनका सिस्टम पुराना चल रहा है, 2021 की वो फाइल्स बनी हुई हैं, तो वो फाइल अपनी कराएं अप टू डेट। उसके अंदर ख्वाह जितनी भी पेमेंट है उनको अप टू डेट करें, तो उनके चांसेस हैं कि ये इंडिविजुअल्स बैलेट के अंदर आ जाएं। इसको समझाने के लिए मैं एक फेयर, बहुत इजी, अपने लिए आसान तरीका यूज़ करता हूँ। फॉर एग्जांपल, कोई भी एक फाइल है, उसकी टोटल कीमत है 10 लाख रुपए। आज तक 4 लाख रुपए ड्यू हैं, आपने 3 लाख रुपए अदा किए हुए, आप 4 लाख रुपए कर लें तो चांसेस ये हैं कि आप बैलेटिंग के अंदर कंसिडर हो जाएंगे, लेकिन 100% नहीं। आप चाहते हैं कि नहीं यार, मैं कंसिडर होना चाहता हूँ कुछ भी हो जाए, तो 6 लाख रुपए अदा कर दें टोटल, यानी 60% अदा कर दें टोटल। ये कोई रिमेनिंग पेमेंट का 60% नहीं है, ये टोटल अमाउंट का 60% है। तो 6 लाख रुपए अदा कर दें, तो इस सूरत के अंदर आपका प्लॉट कंफर्म बैलेटिंग का हिस्सा बनेगा। और अगर आप ये चाहते हैं कि भाई मुझे मिले कोई कैटेगरी प्लॉट, कोई कॉर्नर, बुलेवर्ड या पार्क फेस, तो आप अदा करें 90%, यानी 9 लाख रुपए अदा करें, और रूडन इनक्लेव से रिमेनिंग 1 लाख रुपए के रिबेट का, जिसके ऊपर वो आप कह रहे हैं कि आप 100% अदा करते हैं, तो आप 10% रिबेट के हकदार हैं, तो 9 लाख रुपए अदा करके आप रूडन इनक्लेव को अर्जी डालें कि मैंने 90% अदा कर दी है, मेरा 10% रिबेट हाजिर किया जाए। तो ना सिर्फ सोसाइटी आपको इसके ऊपर 10% रिबेट देगी, बल्कि आपका प्लॉट कन्फर्म रीबैलेट भी होगा, और बैलेटिंग के अंदर कैटेगरी प्लॉट मिलेगा, कॉर्नर, बुलेवर्ड, पार्क फेस, कैटेगरी प्लॉट मिलेगा। तो ये है बैलेटिंग का क्राइटेरिया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को कमर्शियल्स में भी फ़ायदा हो, और आप तमाम लोगों के प्लॉट्स बैलेटिंग के अंदर कंसिडर भी हों, और वो कंसिडरेशन बनाएगी मार्केट के अंदर एक डिफरेंस। ओपन फाइल या नॉन बैलेटेड फाइल रह जाएंगी पीछे, और ये बैलेटेड प्लॉट्स जो एक लेआउट प्लान के ऊपर होंगे, ये क्योंकि एग्जीक्यूटिव ब्लॉक में डेवलपमेंट भी हो रही है, तो ये मार्केट के अंदर वो डिफरेंस क्रिएट करेंगे
कि आपको जिसके ऊपर मिलेगा प्रॉफिट कि हाँ यार मुझे फलानी गली का फलाना प्लॉट चाहिए, यार मेरे पास ये जनरल प्लॉट है मुझे इसका नेक्स्ट प्लॉट चाहिए आपके पास है, या मुझे कोई कॉर्नर या बुलेवर्ड प्लॉट चाहिए, या मुझे मस्जिद के करीब प्लॉट चाहिए, तो कुछ भी इस तरीके का आपको देगा मार्केट के अंदर प्रॉफिट। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको फ़ायदा हुआ होगा। आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें, और हाँ अगर आप ये कमर्शियल ख़रीदना चाहते हैं तो हमसे भी रابطہ कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखें, अस्सलाम वालेकुम।